फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें एंड शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा कर आई और पूजा किया और ब्रेकफास्ट में ये डोसा बना रही हूँ। आज सभी का मन था डोसा खाने का, तो मैं आज डोसा बना रही हूँ। ये आज का ब्रेकफास्ट हमारा, और एक तरफ चाय चढ़ा है, चाय की डिमांड है तो चाय बन रही है। और पूरा किचन मेरा मैसी मैसी है, क्योंकि इस तरह का ये ब्रेकफास्ट है, थोड़ा सा इसमें किचन तो मैसी हो ही जाता है। तो चलिए फिर खाकर मिलते हैं आपसे। खाने के बाद मैं थोड़ा आराम कर ली, और डोसा खाने के बाद सबके पेट भरे भरे थे। लंच बनाना नहीं था, किसी को भूख ही नहीं लगी, तो मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए। तो सारे गमले पेंट करने थे, बहुत दिन से सोच रही थी कि पेंट कर लूँ, क्योंकि सारे सारे के पेंट हट गए थे, बहुत ख़राब लग रहे थे, पुराने पुराने पूरे गंदे से हो गए थे। तो मैंने सोचा इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए, बैठकर क्या करना, तो गमले को पेंट कर लेते हैं। ये देखिए कितने खराब हो गए हैं, बहुत दिनों पहले इसको पेंट किया था मैंने। ये सीमेंटेड गमले हैं और कुछ प्लास्टिक के भी हैं, ये सब प्लास्टिक के भी हैं, तो ये सब टूट गया। लेकिन अभी बोले कि बाद में इसको चेंज करेंगे, पहले इसको पेंट ही कर दिया जाए। देखिए सारे गमले पुराने पुराने जैसे हो गए, सबके पेंट उतर गए, बहुत पहले का पेंट किया हुआ था, सारे को पेंट करना था। तो सारे को मैंने पहले अच्छे से पोंछ लिया, प्लास्टिक वाले जो गमले थे उसको अच्छे से पोंछ लिया, और जितने सीमेंटेड गमले हैं सबको मैंने सैंड पेपर से रगड़कर फिर उसको, ये देखिए मैं यहाँ पर प्राइमर डाल रही हूँ। सीमेंटेड गमले पे पहले प्राइमर डालते हैं, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा वो प्राइमर सूख जाता है तो फिर हम लोग उस पर पेंट करते हैं। सारे गमले को पहले अच्छे से रगड़ कर और प्राइमर मारना होता है। प्राइमर मारने के बाद थोड़ा सूख जाए तो फिर इसे पेंट करते हैं। इस तरह से करते करते पूरा रात हो गया था, करीब शाम के 7 बज रहे थे, 7 साढ़े 7 हो रहा था। दोपहर से लगे लगे कि गमले बहुत सारे थे, सारे को पेंट करना था। पहले सबको डस्ट हटाना, फिर प्राइमर करना, उसके बाद पेंट करना, तो टाइम तो लग ही जाता है। देखिए इसके ऊपर भी मैं प्राइमर मार रही हूँ। इसी तरह से देखिए सैंड पेपर से रगड़कर, ये सीमेंटेड है तो इसको सैंड पेपर से रगड़कर और उसके ऊपर तब प्राइमर मारेंगे। ये देखिए अब इसको हम लोग प्राइमर से पहले पेंट कर लेंगे। गमलों को पेंट करने के बाद इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, फूलों की भी और गमले की भी। मैं गमले को प्लेट से बाहर नहीं निकाली थी क्योंकि टाइल्स पे लग जाएगा, तो प्राइमर थोड़ा सूख जाएगा, तो फिर पेंट करने के लिए मैं पेपर के ऊपर उतार कर फिर पेंट करूंगी। ये गुलाब के फूल खिले हुए, और गमले में जब प्लांट रहता है ना तब पेंट करना और मुश्किल हो जाता है। खाली गमला जो होता है उसको पेंट करना थोड़ा आसान है, लेकिन जब गमले में फूल हो, प्लांट्स हो, तो मुश्किल लगता है थोड़ा करना। देखिए सब पे मैंने पहले प्राइमर किया है,
और वो प्लास्टिक का गमला है, उसको मैंने पेंट कर दिया। उसपे प्राइमर की कोई जरूरत नहीं होती, तो उस पर मैंने ये पेंट कर दिया है। ये जीनिया या शायद जर्मनिया कुछ इस तरह से उसको बोलते हैं। ये देखिए प्लास्टिक के गमले हैं, तो इसको मैं डायरेक्ट पेंट कर दूंगी, इस पे प्राइमर की जरूरत नहीं है। अब मैं ब्लू और वाइट का ये पेंट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे घर का कलर भी आउटर आउट से बाहर से ब्लू और वाइट है, तो मैंने गमले का भी जो थीम है वो वाइट और ब्लू ही रखा है। ये कलर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं इसे कर रही हूँ। और मैंने ग्लव्स नहीं लगाया, ये मुझसे गलती हुई, क्योंकि ग्लव्स खत्म हो गया था, मैंने नहीं लगाई। ये देखिए प्लांट को, गमले को पेंट करने के बाद, और मैं पूरा भी आपको दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत रात हो गया था और खाना भी बनाना था। ये सुबह की चाय बन रही है। सुबह में उठते के साथ हम लोग काढ़ा पीते हैं, वो तुलसी वाले काढ़ा। अभी का जो समय चल रहा है उसके अनुसार सुबह में हम लोग काढ़ा पीते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग सुबह की चाय लेते हैं। तो ये चाय बना रहे हैं। ये है अदरक वाली चाय। मैं सुबह की चाय ले रही हूँ। चाय बहुत टेस्टी है, अगर चाय अच्छी मिल जाए तो मूड फ्रेश हो जाता है और फिर काम करने में मन लगता है। सुबह की चाय हो गई और मौसम भी बहुत अच्छा है। आपको मौसम दिखाती हूँ मैं। देखिए मौसम कितना अच्छा है, और ये सामने में आप जो देख रहे हैं ना खेत, उसमें धान लगा हुआ है। देखिए ये धान है, ये हम लोग टाउन में है लेकिन अभी न्यूली कॉलोनी जो डेवलप हो रही है, तो सामने में अभी ज़मीन खाली है तो इसमें लोग खेती करते हैं। देखिए बिल्डिंग वगैरह बन रही है। ये गमला है, कल मैंने पेंट किया था, आपको दिखाया। देखिए जितने भी खाली जगह हैं वहाँ पर खेती होती है। ये देखिए सारा, ये इधर बिल्डिंग अभी सब कंस्ट्रक्शन में है, अभी सारे बन रहे हैं। आपको दूर से वो बिल्डिंग नजर आ रही होगी। तो ये हम लोग टाउन में है लेकिन अभी ये कॉलोनी नया है। गुड मॉर्निंग। बाबू का हेयर कट कर रहे हैं। एक क्लास टू में है और अब उठ गया, अब नहा धोकर बैठेगा, ऑनलाइन क्लास चलेगा अभी। तो सुबह की चाय हो गई, अब मैं जा रही हूँ नहा धोकर, फिर लोग का ब्रेकफास्ट बनाना होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। और ये सारे गमले जिसको मैंने कल पेंट किया था, बहुत रात होने के कारण मैं सारे गमले को दिखा नहीं पाई।
अरे देखिए, पेंट होने के बाद गमलों के और प्लांट के दोनों की खूबसूरती बढ़ जाती है। कितना सुंदर लग रहा है ये गमला। और मैंने गमले के साथ साथ वो प्लेट को भी पेंट कर दिया जिसपे गमला रखते हैं, अच्छा लग रहा था। और कल बारिश भी होगी थोड़ी थोड़ी, तो ये गमले के प्लेट में पानी रह गया। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये गमले पेंट कैसे लग रहे हैं। और ये एक मेरा जो गमला है वो रह गया था। तो चलिए, बाय बाय।